गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. क्लास फिफ्थ हिंदी मीडियम यूनिट फोर बेसिक फंक्शंस मौलिक क्रियाएं. इसमें हमें सबसे पहले जोड़ना है. पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को जोड़िए. एक्सरसाइज हमारी 4.1 यूनिट फोर की एक्सरसाइज बेसिक फंक्शन मौलिक क्रियाएं जिसमें हमें जोड़ना है, प्लस मतलब प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब. तो फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को जोड़िए. इकाई संख्या दी हमें, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार और लाख में. लाख में हमें क्या करना है, प्लस करना है इन दोनों संख्या को. ऊपर लिखिए हमारी संख्या लाख में और एक संख्या हमारी लिखिए नीचे, इन दोनों को हमें प्लस करना है. तो 2 और 5 कितना हुआ, 7, 0 और 6 0, 8 और 5 9, 10, 11, 12, 13, 13 का 3, कैरी 1, 4 और 7 11, 11 और 1, 12 का 2, फिर कैरी 1, 9, 1, 10, 4, 14 का 4 और 7 और 1, 8. इस तरह से प्लस करते हैं. अब इसके बाद है घटाओ का, घटाना है तो निम्नलिखित को जोड़िए. यहीं पर हम करेक्शन करते हैं, आपको सीडब्ल्यू कॉपी में ये कंप्लीट करना है. ये जोड़ना वाला क्वेश्चन है. अब इसके बाद आता है घटाने का. तो निम्नलिखित को घटाओ. डिजिट भी चेंज करेंगे इसमें. अब हमें 10 लाख लिख लिया घटाना, यहां पर लिख लेंगे 10 लाख. ठीक है, माइनस करना है 2 में से 1 को माइनस किया तो 1. अब इधर कितना है 6 और नीचे क्या है 7. ऊपर छोटा नंबर है, नीचे कैसा हमें बड़ा नंबर दिया है, तो हम माइनस नहीं कर सकते. यहां से हासिल लेंगे, कैरी लेंगे, तो यहां पर कितने हो जाएंगे 16. 16 में से 7 को माइनस किया तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितने बचे 9. इसका ये कम हुआ तो कितने हुआ जा 7. 7 में से 3 गए तो 4. अब 2 में से 4 तो माइनस होगा नहीं, तो 2 का क्या हो जाएगा, यहां से लेंगे 12. 12 में से 4 गए तो कितना बचा 8. इधर एक कम हुआ तो 0 हो गए. इससे लेंगे तो 10. 10 में से 6 गए तो 4. इसका एक कम हुआ 4. 4 में से 3 1 और 4 में से 2 गए तो 2. ये हमारा हुआ क्या, माइनस. घटाना हुआ 4.1 का. हमने आपको एक प्लस का समझा दिया और एक हमारा सब्जेक्ट माइनस का हो गया. ठीक है, दोनों हो गए प्लस माइनस के. इसके बाद और जो क्वेश्चन है 4.1 के वर्ड प्रॉब्लम है, वो हम आपको पीडीएफ में सेंड कर देंगे. एक एक एग्जाम्पल हमने आपको समझा दिए. मौलिक क्रियाएं यूनिट थी. फिर आती है एक्सरसाइज 4.2 गुणनफल ज्ञात करो. तो ये भी हम जानते हैं, एक्सरसाइज 4.2 गुणनफल ज्ञात
एग्जांपल इसका समझा देते हैं। मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले टू का करेंगे, टू वन जा टू, टू सिक्स जा ट्वेल्व का टू, कैरी वन, टू फोर जा एट और वन नाइन, टू वन जा टू, थ्री का किया, थ्री वन जा थ्री, थ्री सिक्स जा एट्टी का एट, कैरी वन, थ्री फोर जा ट्वेल्व और वन थर्टीन का थ्री, कैरी वन, थ्री वन जा थ्री और वन फोर, वन का कर दो, वन का वन में किया तो वन, वन का सिक्स में किया तो सिक्स, वन का फोर में किया तो फोर, वन का वन में वन, सबको प्लस कर देंगे, टू का टू, टू थ्री फाइव, एट और वन नाइन, नाइन और नाइन एटीन का एट, कैरी वन, थ्री और थ्री सिक्स और सिक्स ट्वेल्व का टू, कैरी वन, फोर फोर एट और वन नाइन और ये वन। आंसर चेक कर लें, फोर पॉइंट टू, वन नाइन टू एट फाइव टू, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल हो गए, फोर पॉइंट वन का भी और फोर पॉइंट टू का भी। तो एक इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम टाइप के एक जोड़ी जूते का मूल्य 834 रुपए है। तो देखो एक जोड़ी जूते का मूल्य कितना है, 834 रुपए है, तो 40 जोड़ी जूते का मूल्य कितना होगा, तो हम क्या कर देंगे इसमें भी 834 में 834 में 46 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 46 जोड़ी पेयर शूज के निकल आएंगे। तो ये हम आपको क्वेश्चन पीडीएफ में सेंड कर देंगे, सभी को ये वर्क कंप्लीट करना है, नेक्स्ट पीरियड में हम फिर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।